जनजागरण अभियान NRMU वर्कशॉप ब्रांच कालका ने वर्कशॉप मेन गेट के सामने सरकार के निगमीकरण व निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें सभी मजदूर साथियों ने सहयोग दिया और जोरदार नारेबाजी की, जिसकी अध्यक्षता सचिव संजीव कुमार ने की और उनके साथी सहायक सचिव गगनदीप, उपाध्यक्ष जगपाल व किरण रेखा व कोषाध्यक्ष प्रकाश चौधरी साथ थे। इस विषय में NRMU के सचिव संजीव कुमार ने दी जानकारी। आज हमें जन जागरण अभियान हमारे केंद्रीय मंत्री कामरेड SG मिश्रा जी के आह्वान पर आज हमें जन जागरण अभियान चलाने का एक आदेश प्राप्त हुआ, जिसको हम बखूबी निभा रहे हैं, जिसमें यह अभियान जन जागरण अभियान पूरी इंडियन रेलवे में मनाया जा रहा है। जो सरकार मजदूर विरोधी नीति अपना रही है, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा निजीकरण और निगमीकरण है, ये हमारे प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर खतरा में डराया हुआ है, जिनको ये निजीकरण करने जा रही है, जो एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। जबकि ये प्रोडक्शन यूनिट पूरी अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करके दिखा रहे हैं, अच्छे उनके एक शैली है और उनके टारगेट जो दिए जा रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा काम करके दिखा रहे हैं, फिर भी ये सरकार उनको निगमीकरण की ओर धकेल रही है। ऐसे ही खतरा हमारी वर्कशॉप की ओर भी एक रेलवे मंत्रालय के द्वारा आदेश जारी किया हुआ है कि 100 कोच प्राइवेट फैक्ट्री से अपना किसी को बनाने के लिए दिए हैं, जो एक बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा है। इसके हम यूनियन डिमांड ये करते हैं कि लोकल लेवल पर हमारी भर्ती होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारे पद रिक्त पड़े हैं, कम से कम 250 से 300 रिक्त पद पड़े हैं, जिनका सीधा सीधा इफेक्ट कर्मचारी की कार्यशैली में पड़ता है, क्योंकि काम जितना ज़्यादा वर्कलोड होगा उसके एवज में उतने ही एम्प्लॉय भी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये एम्प्लॉय अपनी क्षमता से ज़्यादा काम तो कर ही रहा है, उसके ऊपर ओवरलोड भी पड़ रहा है, जिससे उसको एक मेंटली टॉर्चर जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ रहा है। तो हमारा इस मंच के माध्यम से भारत सरकार को, रेल मंत्रालय को ये कहना है कि जो रिक्त पड़े हैं उनको जल्दी से भरा जाए और जो प्रोडक्शन यूनिट बड़ी आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं उससे ज़्यादा देने की क्षमता प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर जो निजीकरण निगमीकरण की तलवार लटकाई जा रही है उसको तत्काल आदेश उनके रद्द किए जाएं, ताकि कर्मचारी अपनी सुख शांति से जो कार्यशैली कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना और ज़्यादा तरक्की की ओर ध्यान देंगे। यही इस मंच के माध्यम से मेरा ये कहना है।